नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कल यानी 27 जून को मंगलवार को वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बताते चले आपको कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया जाएगा। 5 जगहों पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। एक जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि 4 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा। तो क्या कुछ पूरी खबर है, बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। कल मंगलवार 27 जून को देश में पहली बार 5-5 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। अलग अलग हिस्सों में चलने वाली ये पांचों ट्रेनों को 15 मिनट में झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। एक स्थान पर प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहेंगे, जबकि अन्य स्थानों पर वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे मंत्रालय के अनुसार 5 वंदे भारत ट्रेनों में 2 मध्य प्रदेश से चलेगी। प्रधानमंत्री यहाँ पर स्वयं मौजूद रहकर हरी झंडी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में पहले से एक वंदे भारत ट्रेन भोपाल से दिल्ली के लिए बीच चल रही है। इन 2 वंदे भारत ट्रेनों को मिलाकर यहां से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की 3 हो जाएगी। 5 वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के बाद देश में कुल वंदे भारत की संख्या 23 पहुंच जाएगी। मौजूदा समय देश के विभिन्न राज्यों और यूटी में 18 वंदे भारत ट्रेनों का सफल संचालन हो रहा है। जिन 3 प्रमुख राज्यों में वंदे भारत का संचालन नहीं हो रहा है उसमें गोवा, झारखंड और बिहार शामिल है। लेकिन कल से बिहार में भी वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस दौड़ेगी। बता दें आपको कि पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 6 घंटे के भीतर रांची पहुंच जाए। और क्या कुछ शेड्यूल था ये भी मैंने आपको बताया था पिछले रिपोर्ट में, लेकिन इस रिपोर्ट में आपको बता दिया मैंने कि 27 जून यानी कल वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार से रांची जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। यात्री अब बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस का आनंद उठा सकेंगे। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।